की टीम तश्कील दी गई, जिसमें एडीसी कैप्टन सफदर इसका बॉडीगार्ड बना। बतौर बॉडीगार्ड कैप्टन सफदर की ड्यूटी नवाज शरीफ की बेटी मरियम को काली छोड़ने और वापस लाने पर लग गई और इस फौजी कैप्टन ने बखुशी ये ड्यूटी कबूल कर ली। फिर वही कुछ हुआ जो आमतौर पर ऐसी ड्यूटियों के दौरान होता है। 20 साल मरियम और 29 साल सफदर के दरमियान जज्बात भड़क उठे और वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में दीवाने हो गए। दिसंबर के पहले हफ्ते तक नवाज शरीफ और बेगम कुलसूम नवाज को इन दोनों के ताल्लुकात की खबर हो चुकी थी। मरियम ने अपने वालिदैन से कह दिया था कि वो शादी करेगी तो कैप्टन सफदर से, वरना नहीं करेगी। नवाज शरीफ ने अपनी बेगम से कहा कि वो कैप्टन सफदर का तबादला बलोचिस्तान करवा देगा, फिर ना वो मरियम के सामने होगा ना ही इसे शादी का ख्याल रहेगा। मरियम को भनक लगी तो इसने नवाज शरीफ और कुलसूम नवाज से कह दिया कि अगर इन्होंने बात ना मानी तो अगले हफ्ते आरियां पार हो जाएगा। फिर मंगल की एक सर्द सुबह बेगम कुलसूम नवाज ने प्लान जान दिया। बेगम कुलसूम जहाँ दीदा खातून थी, समझ गई कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। इसने फौरन अपने शोहर मियाँ नवाज शरीफ को कॉल की और इसे कहा कि सरताज, आपकी बेटी ने भागने की धमकी दी थी, मुझे लगता है कि वो भागने की तैयारी कर रही है। और फिर सच में मरियम नवाज भाग गई। इन दोनों को एयरपोर्ट से पकड़ा गया और फिर आनन फानन शादी का फैसला हुआ और 24 दिसंबर को निकाह कर दिया गया। 4 माह बाद इनके यहाँ पहली बेटी हुई, जिसका नाम महरुल निसा रखा गया। पहले तो मीडिया में इस खबर को दबाने की बहुत कोशिश की गई और हामिद मीर को ये काम सौंपा गया कि वो ऐसे तमाम लोगों को धमकाए या रिश्वत दे जो ऐसी खबर को बाहर लाने की कोशिश कर रहे थे। तमाम अखबारात को मना कर दिया गया कि वो ऐसी कोई खबर ना छापे, लेकिन ये खबर ज्यादा देर तक छुपी ना रह सकी और आवाम के सामने आ गई। ये एक ऑन द रिकॉर्ड हकीकत है जिससे शरीफ खानदान ने कभी इनकार नहीं किया। मरियम नवाज कैप्टन सफदर के पीछे दीवानी थी।